हेलो, दिस इज़ निसार अहमद, अंडर 14 100 मीटर जूनियर रिकॉर्ड होल्डर, अंडर 16 जूनियर रिकॉर्ड होल्डर एंड अंडर 18 जूनियर रिकॉर्ड होल्डर। ये जो हमारे निसार अहमद हैं, ये हमारे दिल्ली के और नेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छे स्प्रिंटर हैं, जो कि 100 एंड 200 मीटर स्प्रिंटिंग करते हैं। खेलो इंडिया में इनका गोल्ड मेडलिस्ट था लास्ट टाइम, और इन्होंने यूसेन बोल्ट अकेडमी में 6 महीने यूसेन बोल्ट के साथ ट्रेनिंग करके आए हैं, और इनके ऊपर किताबी स्कूल के अंदर इनके ऊपर बुक्स भी छप चुकी हैं, जो कि दिल्ली के सबसे पावरफुल स्प्रिंटर कहलाते हैं निसार अहमद। तो हम निसार अहमद से कुछ बात करेंगे आज, ये आपको बताएंगे अपनी लाइफ स्टोरी की, कैसे इन्होंने स्ट्रगल करा और कैसे ये आगे बढ़े। प्लीज़। जय हिंद, मेरा नाम निसार अहमद है, मैं इंटरनेशनल स्प्रिंटर हूँ और अभी एशियन जूनियर एशिया गेम भी खेल के आया हूँ, मैं ओलंपिक्स भी खेल के आया हूँ, मैं जूनियर ओलंपिक्स जो अर्जेंटीना में थे और एशियन गेम्स मेरे बैंकॉक में थे, तो उसमें मैंने बेस्ट किया था, अपना टाइम भी बेस्ट किया था, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन यूथ ओलंपिक गेम्स में हो पाया था। तो मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। मैं स्लम से था, स्लम में रहता था, पेरेंट्स हमारे कोई सपोर्ट नहीं था, पर सपोर्ट कुछ ना होने के बावजूद भी मैंने छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी हमारे पेरेंट्स ने ना मैंने, तो हमने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहा। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस होने लगी स्पोर्ट्स में, और धीरे धीरे अच्छे लेवल पे स्टेट पे मेडल आ गई, फिर उसके बाद नेशनल में आ गए, फिर धीरे धीरे फिर चीज़ें भी बढ़ने लग गई, जैसे कि अब जैसे प्रोफेशनल आपको एथलीट बनना है तो आपको प्रोफेशनल चीज़ें भी चाहिए होंगी, बहुत अच्छी स्पाइक्स चाहिए होंगे, डाइट चाहिए होगी, तो उस हिसाब से फिर जरूरतें बढ़ने लग गई, फिर थोड़ी दिक्कतें भी आने लग गई, पर फिर भी रुका नहीं मैं। और उसके बाद फिर मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया, स्कूल नेशनल गेम्स में भी किया भोपाल में, उसके बाद मैंने जूनियर नेशनल रिकॉर्ड भी किया जूनियर का, तो फिर मुझे फिर सपोर्ट मिलता रहा लोगों का, हमारे देश का प्यार भी मिलता रहा, जिसकी वजह से मैं स्लम से अपने पेरेंट्स को भी और अपने आप को भी वहाँ से बाहर निकाल पाया, और अपने पेरेंट्स को और अपने आप को एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी अपने मेहनत से और अपनी पेरेंट्स की मेहनत से अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस यही मैं कहना है कि मुसीबतें और ये रुकावटें बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि गेम ही ऐसा है, इतनी ज़्यादा मेहनत है इस गेम में, बहुत ट्रैक एंड फील्ड और इंडिविजुअल गेम आपको पता ही है कितना ज़्यादा टफ होता है, इसमें पार्टिसिपेट रेस भागना, एक एक माइक्रो सेकेंड तोड़ने में आपको 6-6 महीने लग जाते हैं, 4-4 महीने लग जाते हैं एक एक 100 मीटर में माइक्रो सेकेंड तोड़ने में, तो हार मत मानिए और लगे रहिए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। जय हिंद। क्या बात है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज यार, कम ऑन, एक बार हो जाए। एक्सेलेंट, थैंक यू फॉर कमिंग टू SRGS इन एथलेटिक्स टूर्नामेंट। कैसा लग रहा है आपको ग्राउंड? अच्छा लग रहा है, बच्चों को देखकर इतना पार्टिसिपेट करते हुए? जी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, सही है, बहुत अच्छा लगा। सर मैं अभी बात भी कर रहा था कुछ पेरेंट्स से कि स्कूल तो बहुत अच्छा है जी, और फिर पेरेंट्स भी कह रहे थे कि ये अभी नया नया स्टार्ट हुआ है स्पोर्ट्स का, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा ग्रास वाला ग्राउंड है, क्योंकि ग्रास पे बहुत अच्छी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है जी, ट्रैक से पहले ग्रास जरूरी है जी, सिंथेटिक से पहले, क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं, जो एंकल होता है, किसी का फ्लैट फुट होता है, किसी का अच्छा मतलब वो एंकल वाला फुट होता है जी, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, तो पहले ग्रास से अगर एक बच्चा ट्रेन करके सिंथेटिक पे जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक और चीज़, आप आशीष के बारे में कुछ बताएंगे? आशीष आपको कब से जानते हैं, हमारे कोच आशीष के बारे में थोड़ा सा? भैया को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, साथ में ट्रेनिंग करी है, साथ में उठे बैठे भी है, ट्रेनिंग भी करी है, बहुत सारी चीज़ें करी है भैया के साथ, तो जुड़े हुए हैं भैया से, तो भैया के लिए आप रेकमेंड करेंगे कि छोटे बच्चे भैया के अंडर आकर ट्रेन करें? हाँ बिल्कुल करें, क्योंकि भैया को बहुत अच्छी नॉलेज है हमारे साथ, क्योंकि ट्रेनिंग करी है उन्होंने स्प्रिंटिंग की, तो इन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, तो अगर ये कराएंगे और कोचों से बेटर करा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद किया है। क्या बात है, तो प्लीज़ एक मैसेज दे दीजिए सारे पेरेंट्स और व्यूअर्स को कि इस ग्राउंड में SRGS में आए और यूनिफाइड स्पोर्ट्स की अकेडमी में स्पोर्ट्स खेले। देखिए मैं पेरेंट्स से बस यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दो चीज़ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो पढ़ाई भी अच्छी होती रहेगी, और हेल्थ ख़राब होगी, बच्चा बीमार रहेगा या कुछ होगा, कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर पढ़ाई भी रुक जाती है, तो स्पोर्ट्स करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे फिर हमारे देश के लिए मेडल कौन लेके आएगा। तो मैं पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि छोटे ही उम्र में एथलेटिक्स करवाइए, एथलेटिक एक ऐसा गेम है जो बहुत ज़्यादा फिट रखता है आपको, अपने आपके
ब्रेन को भी बहुत फिट रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है ये। इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को या किसी चीज़ को नुकसान हो। तो एथलेटिक्स ज्वाइन करें, स्प्रिंटिंग या स्प्रिंटिंग में बहुत सारी गेम है या एथलेटिक्स में बहुत सारी इवेंट्स है, उन्हें उनके पेरेंट्स उसमें डालना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का इवेंट आपके चक्कर में और बेटर हुआ, बहुत मज़ा आया, आप आए और होपफुली आप आते रहे, और बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग इवेंट्स जो जो आप करने वाले हैं भारत के लिए, फॉर इंडिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू सो मच।